हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष और हब ऑफ सॉल्यूशन टेक आशीष में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों ने जैसे डिस्क्रिप्शन में देख ही लिया होगा, मैं आज आप लोगों को प्राइवेसी पॉलिसी की स्क्रिप्ट देने जा रहा हूं और वो भी बिल्कुल फ्री में। और उसके बारे में आज बहुत कुछ बताऊंगा, कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे उसकी वेब बनानी है, कैसे पूरा डिटेल्स में उसको जाना है और कैसे एडसेंस में या कहीं पर उसका अप्रूवल लेकर उस पर साथ कैसे पैसे अर्न कर सकते हो, वो भी मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा। सो प्लीज़ आप ये वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते जाना और मैं कहूँ वैसे स्टेप बाय स्टेप आप करते जाना, तो आप आराम से आपकी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर टूल आप क्रिएट कर पाओगे और उसकी वजह से फिर आप पैसे भी अर्न करना शुरू कर लो। जैसे कि फ्रेंड्स, हर एक टूल्स के अंदर, वेबसाइट के अंदर हमको उसको इंक्रीज करने के लिए डू फॉलो लिंक्स और बैक लिंक्स और वो सब बनानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को वो सब बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सेटिंग कर दिया गया है। जो ऐसा सेटिंग करना है जो मैं आपको अंदर पीछे जाके बताऊँगा, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि जरा भी वीडियो को स्किप नहीं करना, तो मैं पीछे जाके आपको बता दूंगा। वही खाली एक सेटिंग करना है जिसकी वजह से आपके ऑटोमेटिक जितने भी यूजर्स आएंगे, ये वेबसाइट के ऊपर जितने भी टूल्स क्रिएट करते जाएंगे, उसकी डू फॉलो लिंक्स, बैक लिंक्स आपके अंदर पीछे बनती ही जाएगी और आपके मार्केटिंग और आपके बैक लिंक्स ऑटोमेटिक जनरेट होती रहेगी। सो गाइस, इसीलिए प्लीज जरा भी स्किप मत करना और आगे आगे देखते रहना वीडियो को। कल ही मैंने और एक स्क्रिप्ट दी थी जो आप लोगों को पता ही होगा, नवरात्रि की स्क्रिप्ट दी थी, वो स्क्रिप्ट आप लोग वो भी कर सकते हो। और आगे जाके ये मेरी वेबसाइट है www.techassist.com, उसके ऊपर आप देख सकते हो डिस्क्लेमर, जनरेटर टूल्स है, फैंसी टेक्स्ट जनरेटर टूल है और ऑनलाइन प्राइवेसी पॉलिसी टूल्स है और डाउनलोड यूट्यूब थंबनेल हाई क्वालिटी वो भी एक टूल है। ऐसे काफ़ी सारे टूल्स मैं आप लोगों को देता रहूँगा, उसकी स्क्रिप्ट देता रहूँगा, वो भी बिल्कुल फ्री में देता रहूँगा। और कैसे बनाना है, उसको कैसे करना है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं, वो सारे डिटेल्स वीडियो भी यहाँ पर देता रहूँगा। सो ये मेरी चैनल पर जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए हुए बटन को सब्सक्राइब करिए, उसके बाजू में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप लोग वो वीडियो देखकर आप जल्दी से अपना टूल्स बनाकर उसके ऊपर अर्निंग जल्दी से जल्दी शुरू कर सको और आपका गूगल्स के अंदर रैंक बढ़ना शुरू हो जाए। तो चलिए गाइस, ज़्यादा मैं टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप लोगों ने पीछे देखा ही होगा कि पीछे ये मेरी वेबसाइट है www.techassist.com, यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर से आप लोगों को मिल जाएगा ऑनलाइन पॉलिसी जनरेटर फ्री का जो है, उधर से आप लोगों को इसकी स्क्रिप्ट मिल जाएगी, वहां से स्क्रिप्ट आप लोगों को वहां पर स्टेप भी मिल जाएंगे। उसके अंदर आप लोगों को स्टेप्स बाय स्टेप लिखा हुआ भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो आगे आगे देख रहे हो, कुछ भूल गए होंगे, तो वहां पर स्टेप के हिसाब से भी आप रीड कर करके भी आराम से कर सकते हो कि कैसे करना है। और साथ में वहां पर आप लोग को ये डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगी, तो डाउनलोड लिंक आपको क्लिक करके ये स्क्रिप्ट पूरी डाउनलोड कर लेनी है और उसको बाद में आप लोगों को एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस पे ही आपको ओपन करना है, जो मैंने ऑलरेडी यहां पर करके रखा है। सो गाइस, ये देख लो, आप लोग देख सकते हो नोटपैड प्लस प्लस पे मैंने ये स्क्रिप्ट ओपन करके रख दी है। सो गाइस, ये पीछे आप सब लोग देख सकते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर टूल्स जो है वो इस तरीके का बन जाएगा। आप लोगों का भी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर टूल करके यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ कंपनी नेम, वेबसाइट यूआरएल नेम और मेल आईडी, तीन चीज़ डाल के जनरेट कोड करना है तो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर अबाउट अस में आपका पेजेस आ जाएगा, यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस में भी आपका पेज आ जाएगा, आप देख ही सकते हो। और ओवर पॉलिसीज में आपकी ये वेबसाइट की पॉलिसीज हो जाएगी। ये तीन चीज़ इसीलिए है ताकि एडसेंस में आपका अप्रूवल मिल जाए
उसकी वजह से ये तीन चीज़ रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर गूगल एडसेंस में हमको अप्रूवल लेना है तो अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, ये तीनों लिखा हुआ बहुत ही ज़रूरी है। और इसीलिए ऑनलाइन हर एक वेबसाइट को प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर टूल की नीड रहती ही है, इसीलिए ये अगर बना लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न कर लोगे। और गाइज, आप लोगों ने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं ये सारे टूल्स, सारी स्क्रिप्ट और बहुत कुछ शेयर करता रहता हूँ। सो आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मिल जाएगा, हर एक चीज़ जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहेगी। उसके बीच लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये वेबसाइट है मेरी, ये वाली वेबसाइट के लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। और सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। वैसे तो बिल्कुल फ्री में ये बन जाएगा, लेकिन अगर आप एक डोमेन ले लो तो बहुत ही अच्छा है, कोई भी ले लो, चाहे कि .com ले लो, .in ले लो, .xy ले लो, .info ले लो, कोई भी डोमेन ले लो, वो मंथली 50 या 100 रुपीस का होता है, उससे ज़्यादा का नहीं होता है। वो लेना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर जो होता है वो वर्ल्ड वाइड पूरे लोग यूज़ करते हैं, तो अच्छा टॉप लेवल का थोड़ा डोमेन होगा तो बेहतर रहेगा। तो आप लोगों को अगर अच्छा डोमेन लेना है तो उसके भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हो, आप वहीं से परचेज कर सकते हो। और आपको कहीं और से करना हो तो वो भी आप देख लेना, लेकिन वो ज़रा ले लो तो अच्छा है, नहीं लोगे। और blogspot.com से अगर जाना चाहो आप तो भी आप जा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी इतना करने के बाद गाइस, आप लोगों को यहाँ पर तीन चीज़ फाइंड आउट करनी है जो मैं आपको दिखा देता हूं। टाइटल आपको फाइंड आउट करना है, जैसे कि मैंने यहां पर टाइटल फाइंड आउट करके रखा है, गेट फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ओनली वन क्लिक जनरेटर प्राइवेसी पॉलिसी। यह थोड़ा यूनिक होगा और वो सब आप फाइंड आउट कर सकते हो, आराम से गूगल पर देख सकते हो कि कौन सा इजी रहेगा और कौन सा रैंकिंग में कर सकते हैं, तो वो हिसाब से आपको लेना है। दूसरा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन करना है, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिख देना है कि अवर प्राइवेसी, यूज अवर प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, नो रजिस्ट्रेशन नीडेड, डन इन अ फ्यू मिनट्स, पर्सनलाइज्ड फॉर योर बिजनेस और इंडस्ट्रीज, ट्राई इट योरसेल्फ। ये सब मैंने अपने खाली ऐसे ही आप लोगों को सैंपल दिखाने के लिए रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से ले लेना जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, बेहतर लगे। और थोड़े से कीवर्ड्स आपको यूज़ करने हैं यहाँ पर, उसकी नीड रहेगी। तो जैसे कि ये थोड़े मैंने कीवर्ड्स लेते, सो ये थ्री चीज़ की आप लोगों को नीड रहेगी। सो वो भी आप लोग गूगल्स कीवर्ड्स पे से ये कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लेना, ये टाइटल्स आप देख लेना थोड़ा अच्छा वाला, और थोड़ा डिस्क्रिप्शन आप लोग लिख लेना आपके हिसाब से। इतना करने के बाद गाइज, आप लोगों को और तीन पेजेस बनाने हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आप लोगों को वो टूल्स के अंदर दिखाया ही था कौन कौन से बनाने हैं, वो तीन पेजेस के डिटेल्स भी आप लोगों को यहाँ पर बना देनी है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, तो वो भी आप लोगों को जनरेट कर लेनी है। वो आप चाहो तो मेरी वेबसाइट थ्रू यहाँ पर जाकर यहाँ पर से आप लोग अपना बना सकते हो। वो कैसे बनाना है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी आप लोगों को कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपकी कंपनी का नेम लिख देना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टेक अशेष करके, ये जो मेरी वेबसाइट है उसका मैं URL कॉपी कर लेता हूँ, और वो कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं मेरा मेल ID डाल देता हूँ, फिर आप लोगों को यहाँ पर ईमेल ID आप लोगों का डाल देना है, और ये डालने के बाद आप लोगों को जनरेट कोड करके कर लेना है। और वो करने के बाद ये देखो यहाँ पर नीचे आप लोगों का पूरा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज कंप्लीट हो चुका है, तो बस उसको क्लिक कॉपी करके फिर आप लोगों को ये तीन पेज कंप्लीट कर देना है। अभी तो मैं ये वाला जो भी है तो ये भी मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ, ये भी मैंने यहीं पर ही नोट पैड के अंदर ही मैंने कॉपी कर लिया है HTML भी। ओके, वैसे आप लोगों को तीनों तीन पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, ये तीनों पेज भी आप लोगों को जनरेट कर लेने हैं, बना देने हैं, मतलब उसकी डिटेल्स विटेल्स सब कुछ बनाकर रेडी रखना है। फिर आप लोगों को गाइस मेरी वेबसाइट्स पे जाकर यहाँ से आप लोगों को
ये जो स्क्रिप्ट है वो डाउनलोड कर लेनी है। प्राइवेसी पॉलिसी की स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी, वो डाउनलोड करके आपको नॉट पैड प्लस प्लस में आप लोगों को ओपन कर लेनी है। याद रखना गाइस, नॉट पैड प्लस प्लस में ही आपको ओपन करनी है, किसी और में ओपन नहीं करना है, नहीं तो एरर आ जाएगी, या तो फिर डाउनलोड नहीं होगा, या कुछ ओपन नहीं होगा सही से, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि नॉट पैड प्लस प्लस में ही आपको ओपन करनी है। अभी गाइज यहाँ पर हमको ये तीन चीज ऐड करनी है, जो है हमारा टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और कीवर्ड्स है, वो हमको यहाँ पर ऐड करने हैं। और गाइस अभी देखना ध्यान से, एक भी स्टेप्स और जरा सा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आगे जाकर ही मैंने जो आप लोगों को बताया था डू फॉलो लिंक वाला जो था वो पूरा आएगा, कैसे आप लोगों को सेटिंग्स करना है, उसका कैसे ऐड करना है, तो वो आगे जाकर आएगा। तो इसीलिए जरा सा भी स्किप नहीं करना, अगर स्किप करोगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए तो गाइज अभी ये थ्री जो चीज़ हम लोगों ने बनाई थी, रखी थी, वो अभी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं HTML के अंदर। तो आप लोगों को अभी यहाँ पर पहले टाइटल ढूंढना है। टाइटल के अंदर हमको वो जो हमारा टाइटल था, हमने जो बनाया था, फाइंड आउट करके रखा है, उसको कॉपी पेस्ट करना है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया है और इसको यहाँ पर टाइटल हियर करके लिखा ही हुआ ये रहा, यहाँ पर ही सीधा इसकी जगह पर आपको पेस्ट कर देना है। देखो गाइस एकदम सिंपल सा है, सब कुछ क्लियर करके रखा है, सब कुछ क्लियर लिखा भी हुआ है, सो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। खाली बस स्टेप टू स्टेप्स आप देखते जाना, अच्छे से करते जाना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके गाइस, सो यहाँ पर देखो टाइटल हियर लिखा हुआ है, वहीं पर आप लोगों को पेस्ट कर देना है, आप लोगों का जो भी टाइटल है वो उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद सो गाइज अभी डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन को हमको यहाँ से कॉपी करना है। और यहाँ पर देखिए ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो दो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हमको ये डिस्क्रिप्शन हटाकर वहाँ पर हमको पेस्ट कर देना है। उसके बाद में ये देखिए उसके नीचे कीवर्ड है, वहाँ पर हम कीवर्ड जो हमने मैंने आप लोगों को बोला था थोड़े बहुत कीवर्ड फाइंड आउट करके रखने हैं, तो वो कीवर्ड हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और वहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। सो कीवर्ड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे हम लोग। फिर गाइज इतना हो जाने के बाद आप लोगों को अगर आपका फेविकॉन लगाना है तो यहाँ पर फेविकॉन के रहा, देखो आपको दिख रहा है, और उसकी यहाँ पर आप लोग लिंक दे सकते हो। तो आप लोगों को अगर आपका यहाँ पर फेविकॉन जो भी लगाना है तो वो भी आप लोग लगा सकते हो। फिर गाइज इतना हो जाने के बाद हमको तीन चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है, हमारा अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज और प्राइवेसी पॉलिसी, वो तीन पेज हमको यहाँ पर ऐड करने हैं। तो यहाँ पर नीचे आओगे आप लोग तो ये आप लोगों को देखो अबाउट मिल गया है, तो यहाँ पर अबाउट आपको अबाउट के कंटेंट जो है वो ऐड कर देना है। उसके अंदर आप लोगों को HTML कोड ही डालना है, डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है। सो HTML कोड आप लोग यहाँ पर, सो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो अबाउट अस, तो अबाउट अस की जगह पर आप लोगों को वो पूरा HTML कोड आप लोगों को डाल देना है यहाँ पर नीचे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस मिलेगा, तो कॉन्टेक्ट अस में आप लोगों को कॉन्टेक्ट अस के जो HTML कोड है वो आप लोगों को ऐड कर लेना है। तो गाइस वो करने के बाद आप लोगों को और थोड़ा नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप लोगों को वहां पर प्राइवेसी पॉलिसी मिलेगा, तो वहां पर आप लोगों को प्राइवेसी पॉलिसी का कोड वहां पर डाल देना है। सो गाइस देखा आप लोगों ने, तो वो तीनों तीन चीज यहां पर आप लोगों को डाल देनी है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आओगे तो आप लोगों को दिखेगा यहाँ पर हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर हेडिंग दिखाई देगा। हेडिंग के अंदर आप लोगों को यहाँ पर टूल के अंदर हमारा जो हमने हेडिंग लिया है वो यहाँ पर लिख देना है, जो भी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटेड टूल या जो भी आपको हमने वहाँ पर जो टाइटल लिया था वो टाइटल यहाँ पर हेडिंग लिख देना है। और डिस्क्रिप्शन में
हमने जो डिस्क्रिप्शन लिया है आप अगर वो भी ले सकते हो, या आपके हिसाब से कोई और लेना चाहते हो तो वो भी आप लोग ले सकते हो। तो जैसा कि हमारा ये डिस्क्रिप्शन था तो मैंने ये डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पर चेंज कर लूँगा। हेडिंग मैंने नहीं किया है क्योंकि वो मुझे सही लग रहा है, तो वो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन मैंने चेंज करके वो मैंने वो वाला कर दिया है। फिर यहाँ पर थोड़ा नीचे हम लोग आएंगे, नीचे आएंगे तो हम लोग यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है तो वो यहाँ पर हमको लिखना है, जितना हो सके उतना हमको कंटेंट यहाँ पर ऐड करने हैं। जो SEO फ्रेंडली कंटेंट हमको यहाँ पर लिखने हैं और जितना हो सके उतने मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स का हमको लिखना है, हो सके उतने 2-3 हज़ार वर्ड्स का या उससे भी ज़्यादा आप लोगों को लिखना है। उसके अंदर इमेजेस और वो सब, जैसे कि हम पूरा हमारा पेज लिखते हैं वैसे ही हमको ब्लॉग में लिखते हैं बनाते हैं, वैसे ही हमको बनाना है। तो वो हिसाब से हमको यहाँ पर पूरा आपको कंटेंट डाल देना है, हेडलाइन उसकी डाल देनी है, डिटेल्स डाल देनी है और जो भी है डिटेल्स 2, डिटेल्स 3 और फिर जो नीचे पूरे कंटेंट्स है वो तीनों का तीनों यहाँ पर आप लोगों आराम से चेंज करके डाल सकते हो। यहाँ पर ऐड करना है पूरा का पूरा कंटेंट आपका जो भी है वो यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे कि गाइस कंटेंट में कुछ नहीं है, जैसे कि हम ब्लॉगर के अंदर हमारी पोस्ट लिखते हैं वैसे ही पोस्ट लिख देनी है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऐसे ही टाइप कर देना है, सिंपल सा टाइप कर लेना है, जो भी आपको टाइप करना है वैसे ही हम ब्लॉगर पे करते हैं वैसे ही आप लोग यहाँ पर सिंपल सा टाइप कर लेना है। फिर ये टाइप करने के बाद आप लोगों को ये मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिख रखा है, फिर यहाँ पर HTML व्यू पर क्लिक कर लेना है। वो करने के बाद यहाँ पर HTML कोड मिल जाएगा आपको, उसको कंट्रोल ए करके पूरा कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना है और वो करने के बाद आपको Notepad++ पर जो हमारी स्क्रिप्ट है यहाँ पर हमको पूरे यहाँ पर ऐड कर देना है। उसको यहाँ पर लिख के रखा ही है पेस्ट डिटेल हियर, तो उसके बीच में हम लोगों को खाली वो जो हमारा पूरा जो कोड है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अभी गाइज यहाँ पर हमारा 90% काम हो चुका है। अभी आप लोगों को एक ही चीज़ करनी बाकी है, वो है हमारे लास्ट में जो डू फॉलो लिंक हमको बनाना है, उसका जो सेटिंग्स मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को कहा था वो कहाँ पर करना है, अभी उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो भी ज़रा ध्यान से लिख लेना। तो आप लोग इतना करने के बाद आप लोग नीचे आओगे, ये नीचे आने के बाद ये आप लोगों को सेक्शन यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाई देगा और ये रहा, और चाहो तो आप लोग फाइंड भी कर सकते हो। यहाँ पर पीछे जाओगे आप लोग, सो गाइस वहाँ पर नीचे आकर यहाँ पर ये आप कर सकते हो, या तो फिर कंट्रोल F करके आप HREF फाइंड आउट करके भी पूरा ये फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आप लोगों को लिंक दिखाई दे रही है उसकी जगह पर आप लोगों को आपकी लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, जैसे कि आपके वेबसाइट की या जो भी आप लोग बनाओगे वहाँ की आप लोगों की जो भी होगी लिंक वो आप लोगों को यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। जैसे कि मेरी ये है तो मैं यहाँ पर ये कॉपी कर लूँगा और फिर उसके अंदर मैं पेस्ट कर लूँगा। सो गाइस ऐसे आप लोगों की बैकलिंक का काम भी यहाँ पर हो चुका है। आप ऐसे बैकलिंक आप लोगों की बनती रहेगी, जितने लोग आप लोगों की वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे वहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी बनाते रहेंगे, जनरेट करते रहेंगे, आप लोगों की ऑटोमेटिक वहाँ पर बैकलिंक बनती रहेगी। तो उसके लिए आप लोगों को ज़्यादातर मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो गाइज अभी इतना सब काम होने के बाद हमको सिर्फ एक ब्लॉग क्रिएट करना बाकी रह गया है, बाकी सब काम हमारा यहाँ पर हो चुका है। तो चलिए हम अभी ब्लॉग क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ ब्लॉग पर आने के बाद आपका ब्लॉग ओपन करके साइन इन करके यहाँ पर न्यू ब्लॉग पर ओपन कर देना। न्यू ब्लॉग ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइटल आपको कुछ भी दे देना है, टाइटल आप जो भी दोगे जो चलेगा उसमें कुछ वो इश्यू नहीं है क्योंकि ऑलरेडी टाइटल और वो सब हम लोगों ने यहाँ पर देख के रखा है। तो आप जो चाहो वो यहाँ पर दे सकते हो। अभी ये जो डोमेन है यहाँ पर आप लोगों को ख्याल रखना है
और जो हमारा टाइटल है उसका नेम आना चाहिए, वो हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि लोगों को हमारे डोमेन पर भी ट्रस्ट होना चाहिए कि वहाँ पर आए तो लोगों को भी लगना चाहिए कि नहीं, ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर करने का ही काम यहाँ पर होता है, और वो लोग ओपन कर ले। ऐसे करके आप लोग कुछ भी रख सकते हो, मुझे पता है वो तो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर वो तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर 77 दे सकते हैं, वो शायद अवेलेबल हो सकता है। तो देखिए गाइस, वो यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं उसको अभी ले लेता हूँ और हम फिर सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा न्यू ब्लॉक बन के रेडी हो चुका है। अभी हम लोग उसके यहाँ पर नीचे जाएंगे, थीम्स पर क्लिक करेंगे। थीम्स पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर थीम सिलेक्ट करनी है। थीम सिलेक्ट करने में एक चीज़ आप लोगों को खास ख्याल रखना है कि यहाँ पर नीचे ये ओसम INC वाइट वाले ही थीम आप लोगों को चूज करनी है और वही अप्लाई करनी है, क्योंकि उसके अंदर ही ये टूल्स चलेंगे, क्योंकि उसका भी रीज़न है, ये जो है वो मोबाइल फ्रेंडली होता है, तो मोबाइल और लैपटॉप डेस्कटॉप किसी के ऊपर भी ये आराम से चल सकेगा। सो अप्लाई कर देंगे ये वाली थीम, हमको यही रखनी है, उतना याद रखना है दोस्तों। गाइस यहाँ पर खास ख्याल रखना, मैं जो भी चीज़ें अभी बता रहा हूँ वो अच्छे से देख लेना, फिर नहीं तो जाके आगे जाके बहुत दिक्कत आएगी। सो इसीलिए आपका ध्यान थोड़ा इधर दे देना। सो वो वाली थीम यहाँ पर सिलेक्ट हम लोगों ने कर ली है। ये देखो, इसके अंदर मोबाइल सेटिंग्स का भी ऑप्शन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर वो रखा हुआ है, यही थीम चूज की है। तो फिर मोबाइल ऑप्शंस में जाके हम लोगों को यहाँ पर डेस्कटॉप चूज करना है। डेस्कटॉप सिलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पर सेव करना है। वो सेव करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करके स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम करना है, स्विच विदाउट बैकअप कर देना है। ये देखो, क्लासिक HTML ही होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमको अगर ब्लॉगर के अंदर HTML पर खेलना है तो यह चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। वो होने के बाद आप लोगों को वापस यहाँ पर क्लिक करके ये नेव बार पे क्लिक करना है, और यहाँ पर अगर कोई कलर लिखा हो ब्लैक सिल्वर या कुछ भी तो उसको हमको ऑफ कर देना है और सेव कर देना है। वो करने के बाद हमको एडिट HTML पर जाना है। एडिट HTML पर जाकर हम लोगों को यहाँ पर जो भी HTML कोड मिलेगा उसको सिलेक्ट करके पूरा का पूरा डिलीट कर देना है, और हम लोगों ने जो Notepad++ में जो जितना भी पूरी हमारी स्क्रिप्ट रेडी की हुई है उसको पूरी सिलेक्ट करके कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर पूरी की पूरी पेस्ट कर लेनी है, और पेस्ट करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आ गया अपडेट सेव सक्सेसफुली। फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पर बैक जाएंगे और नीचे जाकर हम लोग एक बार व्यू ब्लॉक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो ब्लॉक होगा वो हमको दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर टूल बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम लोगों ने जो भी अबाउट अस और जो भी हम लोगों ने डाला था वो सब कुछ बनके रेडी हो चुका है पूरा का पूरा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फॉर्म वॉर्म सब कुछ ऐड करके रखा था, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पर हो चुका है। प्राइवेसी पॉलिसी भी जनरेट लिखा हुआ था तो वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये अबाउट अस का पेज भी आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा इधर उधर हो चुका है। तो ऐसे गाइस, हमारा पूरा टूल्स रेडी हो चुका है। ये हमारे जो कंटेंट था पूरा जो मैंने खोला था आप लोगों को, थोड़ा बहुत मैंने मेरे हिसाब से लिख दिया है, तो ये जो कंटेंट है वो यहाँ पर आ गया। ये मैंने इमेजेस डाला है, ऐसे करके पूरा टूल हमारा रेडी हो चुका है। तो गाइस, मेरे ख्याल से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी ये एक बार रन करके टेस्ट करके भी हम लोग देख लेते हैं कि बराबर से वर्क करता है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये करते हैं, कुछ भी डाल देते हैं अभी, और जनरेट कोड कर लेते हैं। ये गाइस देख लो, नीचे हमारा पूरा प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो चुकी है। यहाँ से कोई भी कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर आराम से उसको पेस्ट कर लेगा, और आपके पीछे यहाँ पर
उसकी बैकलिंक बन जाएगी, सो आपको भी फायदा हो जाएगा। और फिर थोड़े टाइम के बाद आप लोग उसको ज़्यादा ट्रैफिक आने लग जाए, फिर गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए आप उसको भेज सकते हो, आराम से अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी के पेज भी अपलोड है, यहाँ पर ट्रैफिक भी आएगा और कोई भी ऐसी कोई चीज़ भी अंदर नहीं है ताकि आपको अप्रूवल नहीं मिले, सो आराम से अप्रूवल भी मिल जाएगा। सो गाइस, मुझे एक आशा है कि आप सबको सब कुछ समझ आ चुका है। गाइस, मैं यहाँ पर नए नए ऐसे ही अलग अलग तरीके के नए नए अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स और ब्लॉगिंग के रिलेटेड और SEO, एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग, वो सब के बारे में बताता रहता हूँ। तो अगर उसके बारे में आप लोगों को जानना है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, इतना सारा मेहनत करते हैं हम लोग, इतना सारा कुछ करते हैं, तो आप लोगों को हमारे मोटिवेट के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना चाहिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए नीचे गए दिए गए हुए रेड बटन को आप प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, उसके बाजू में बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ताकि हमारे नए नए वीडियोस जैसे ही आते रहेंगे आपको तुरंत ही फटाफट मिलते रहेंगे, और आप लोग फटाफट से वो स्क्रिप्ट या जो भी है बनाकर उसके ऊपर से अर्निंग आप लोग स्टार्ट कर सको, या तो फिर आपकी वेबसाइट के लिए वो हेल्पफुल हो सके। तो इसलिए गाइस, सब्सक्राइब करना तो ज़रा भी मत भूलिएगा, और हाँ, क्या, हाँ, बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।